कैसा? हाँ, यहाँ पे पढ़ा है हम लोगों ने। चलिए बेटा, हमने क्योंकि आपके जो भाई हैं बाहर, ठीक है, उन्होंने कश्मीरियों को वहाँ बचाया, ठीक है, तो उस सिलसिले में हमने एक ये डिसाइड किया कि हम गाइड यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरे सिख कम्युनिटी के जितने भी भाई और बहने आएंगे हम उनको फ्री पढ़ाएंगे। तो आपने पे किया था हमें 2 महीने का, अब हम आपको ये एज ए लव, एज ए गिफ्ट हमारी तरफ से आपको ये, हम ये वैसे ये कुछ हम रिपे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश है कि हम आपको ये वापस 2000 दे रहे हैं, 2 महीने का वापस दे रहे हैं। ठीक है बेटा, आप ये ले लो, आप ले लीजिएगा सर। ठीक है, तो ये हमें आपकी तरफ से हमारी छोटा सा एक दिल से है, हमारे गिफ्ट है आपके लिए, आपकी आपकी तरफ से ये तोहफा हमारे तरफ पे, ये तोहफा हमारी तरफ से उन बच्चों के लिए दे दो जो बच्चे इसके हकदार हैं। सर आप खुद दे दीजिए उन बच्चों के लिए, हमारी तरफ से उन बच्चों के लिए गिफ्ट है जो बच्चे इसके हकदार हैं, उन बच्चों के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट रख दो। आप सर खुद दे दीजिए, ये आप खुद की तरफ से हमारी तरफ से उन बच्चों के लिए जो हम इसी के बेटी के थ्रू देंगे, हम आप दे दीजिए। ठीक है सर, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसके हकदार हैं, उन बच्चों के लिए हमारी तरफ से ये गिफ्ट को दे दो। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे और? बस सर और क्या कहना है, भाईचारे से रहे, अच्छी तरह से रहे, दुनिया को यही पैगाम दे, इंसानी के तौर से जैसा भी रहे अच्छे रहे, क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हर जगह कोई ना कोई बच्चे हमारे बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हर जगह जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को चाहिए अच्छी तरह से पढ़ना किसी मफाद के बगैर आराम से इंसानी के तरीके से, और क्या कहना। छोटी आप कुछ बोलिए, आपको मजा आता है यहाँ पढ़ने में, ये आपकी मदद करते हैं ये जो यहाँ पे मुस्लिम बच्चे हैं? राज साहब आप बोलिए, क्या इनिशिएटिव आपने लिया है? देखिए, हमने पूरे काई क्रीडी टीम ने कल डिसाइड किया कि हम जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट में आज से सिख कोई भी बच्चा या बच्ची आ जाए हम उनको फ्री पढ़ाएंगे। तो हमारी एक ऑलरेडी एक 9th क्लास में एक बच्ची पढ़ रही थी जो सिख कम्युनिटी से है, तो हमने कहा कि नेक काम में देर क्यों, तो हमने आज ही ये डिसाइड किया कि वी विल जो ने 2 महीने यहाँ पढ़ा है हम इनको वो वापस देंगे। ये पूरे दिल से है हमारी तरफ से, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो सिख कम्युनिटी ने बाहर मुसलमानों को और कश्मीरियों को खासकर जो बचाया है, कश्मीरियों को खासकर जो बाहर उन्होंने उनकी हेल्प की है, एक मैसेज दी है, हाँ, प्यार की, ब्रदरहुड की, तो हमने ये हम दिल से आप इनका शुक्रगुजार हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाजी आप लोगों ने हमें अपना कर्जदार बना दिया, कर्जदार ऐसा कर्जदार बना दिया है, कर्जदार तो क्या है, ऊपर वाले का है, हम ये इस जन्म में कम से कम रिपे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अनहोनी होने हो सकती थी हमारे कश्मीरी बच्चों के साथ। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मुबारक उन लोगों का जिन लोगों ने वहां पे हमारे बच्चों की हेल्प की, उन लोगों के लिए मुबारक, सबकी बात है सर। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, कश्मीरियत अक्सर हम बोलते हैं यहाँ पे, कश्मीरियत का जो मुझे समझ में आता है माने, वो है लव, वो है प्यार, वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और अगर कश्मीर के बाहर कश्मीरियत है कहीं, तो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ सिखों के दिलों में है। ठीक है, वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम काई, फ्रॉम होल मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो मैं पूरे दिल से अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से और काई की तरफ से आपको शुक्रगुजार, थैंक यू।